हैं मनोज कुशवाहा जी, हम लोग कल भी आए हैं, आज भी घूम रहे हैं और जनता का अपार समर्थन है और सभी समुदाय सभी समाज के लोग महागठबंधन को वोट दे रहे हैं। महागठबंधन के जो नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनके ऊपर विश्वास है, उनके विकास के ऊपर विश्वास है। जो शांति का माहौल और जो इतने दिनों से उन्होंने बिहार में शासन किया है, न्याय के साथ विकास करके शासन किया है, इस पर भरोसा लोगों का है। और महागठबंधन बनने के बाद और भी सभी लोग मिल करके एकजुट हो गए हैं। और जब एक सब समाज एक है तो कुछ लोग के विरोध करने से हमको नहीं लगता है कि बहुत प्रचंड बहुमत से। अच्छा, आपके पिताजी भी चुनावी कैंपेन में आने वाले हैं? जी, निश्चित आएंगे, कल आएंगे। आपका आज कहाँ कहाँ कार्यक्रम है? अभी देखिए, यहाँ का यहाँ के लोग हैं, यहाँ के कार्यकर्ता लोकल कार्यकर्ता हैं, हम लोग अभी तीन चार जगह हम लोग घूमे हैं और भी जहाँ इन लोग कहेंगे हम लोग जाएंगे। और हम लोग तो आए हैं, पार्टी का जो आदेश है महागठबंधन के लिए हम लोग आए हैं और हम अपने लोगों के बीच में जाते हैं, उनका समस्या सुनते हैं। यहाँ आने के बाद कुछ सीखने को मिलता है और देखने को मिलता है कि कहाँ कितनी समस्या में आए, जो इनकी समस्याएँ हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको समाधान कर सकें। हो सकता था कि हम लोगों को नहीं जानकारी जिस समस्या में थे, तो यहाँ आने के बाद मौका मिलता है, इसी बहाने हमें मौका मिला। वोट तो ये नहीं रहे, चिराग पासवान भी आने वाले हैं। आने तो सबका है, सभी लोकतंत्र है, सबको अधिकार है आने का, किसी को रोक नहीं सकते। आने दीजिए, उनको आना ही चाहिए और आकर के देखना ही चाहिए। जनता धरातल पर जमीन पर देखना चाहिए कि जमीन में कितनी समस्याएं हैं। खाली बाहर में दिल्ली में रह करके बड़े बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता है। दलित समाज का वोट किधर लग रहा है आपको जाता है? चिराग पासवान का कहना है कि दलित इस बार महागठबंधन से जीते हैं, वो तो रिजल्ट ही बता देगा, ज्यादा क्या कहेंगे। इसका वोट किधर जाएगा तो रिजल्ट बता देगा, आप देखिएगा, ज्यादा दिन कहाँ समय, रिजल्ट आपको बता देगा। वो आईना है, एकदम साफ है, साफ चेहरा नजर आएगा कि कौन जीता कौन हारा। निश्चित तौर पर महागठबंधन की भारी मतों से यहाँ विजय होने जा रही है, कोई शक नहीं है, कोई हमारी लड़ाई में नहीं है, सब का जवाब। अच्छा, महागठबंधन के बारे में भी कहा जाता है कि महागठबंधन बन तो जाता है लेकिन डेढ़ दो साल से ज्यादा चल नहीं पाता, इस बार क्या कहना चाहिएगा महागठबंधन? देखिए, ऐसी बात नहीं है, पहले भी चला है और चलते आया है और पूरे आज के जो आज का जो समय चल रहा है वो सब लोग एकजुट होकर के ही काम करते हैं, चाहे राज्य स्तर पर ले लें, चाहे केंद्र स्तर पर ले लें। ये गठबंधन आज का रियलिटी हो गया है और सभी लोगों का अपना अपना अहम रोल होता है। बिहार में खास करके सात पार्टियों का महागठबंधन है और ये सात पार्टियों सभी समुदाय के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 90% और 10 की लड़ाई है और 90% एक है और नीतीश कुमार